देखिए साहब, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आज 20 तारीख के दिन याकूतपुरा बड़ा बाजार पे एक जलसे मिली बेदारी का लिए हम अप्लाई करे थे। ये इलेक्शन के बाद से, ये जो याकूतपुरे में रिजल्ट आया उसके बाद से मुसलसिल हम जो है पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट में अवामी राबेदा जो प्रोग्राम चला रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं जाके। तो कई हमारे वर्कर्स की ये बात थी कि एक याकूतपुरा बड़ा बाज़ार पे जलसा करेंगे मिलकर। तो हम लोग जो है 13 तारीख के दिन अप्लीकेशन डाले पुलिस को। तो 13 के दिन से लेके आज 20 तारीख तक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाज़ार ये फाइल को डाल लेके बैठे हुए रहे। कल मेरे को शाम को फ़ोन करके हमारे ACP मीर चौक ये बोले कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रहे। तो हम बोले साहब आप नहीं दे रहे तो आप हमारे को रिजेक्शन के कारण बताओ। कल नहीं हुआ, फिर आज सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा वहाँ पर सप्लाइंग कंपनी, वहाँ पर साउंड का काम चल रहा, अब आके पुलिस वाले शाम में ये बोल रहे हैं कि आपको परमिशन इसलिए नहीं दे रहे हम कि आप जो है ट्रैफिक जाम होती कहते हैं, वहाँ पर MBT का जलसा होने से ट्रैफिक जाम होती। अब देखिए आप उन जो परमिशन डिनाई करने के रीजन बोल रहे हैं, द परमिशन कैनॉट बी गिवन एज बड़ा बाजार इज द मेन जंक्शन कनेक्टिंग द रोड टू तालाबकट्टा भवानी नगर एरिया एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज ट्रैफिक इनकन्वीनियंस। आप बताइए हम क्या हमारे वोटरों को तकलीफ देंगे क्या जलसा करके? फिर दूसरा उन्होंने कारण बता रहे हैं कि एज पर योर एप्लीकेशन मेंशन 100 to 200 मेंबर्स, बट देयर माइट बी चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गैदरिंग विच में क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अरे आप बताइए कि आप 100 आदमी 200 आदमी आते बोल रही, लेकिन ज्यादा लोग आने के इम्कान है तो वलीमे की दावत में भी आजकल लोग ज्यादा आ जा रही। अब ये तो अमजदुल्ला खान की तकरीर सुनने के वास्ते आएंगे ज्यादा लोग, तो अब इसमें मैं तो नहीं रोक सकता हूँ। और हम आप बताइए MBT फॉर्म हुई जब से आज तक सिंस 1993 हम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, कभी भी कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हमारी तरफ से क्रिएट नहीं हुआ। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है ड्यू टू गैदरिंग ऑफ लार्ज क्राउड देयर माइट बी अ ट्रैफिक, फिर वो ट्रैफिक कंजेशन। फिर चौथा, नो पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन गिवन टू कंडक्ट द मीटिंग इन द अबव सेट प्लेस, यानी बड़ा बाजार पे कहते आज तक कभी किसी को परमिशन नहीं दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाजार को सीधा मेंटल हॉस्पिटल हरागड्डा भेज देने का टाइम आया। ये रैन बाजार इंस्पेक्टर की वजह से ये जो पोलिंग के दिन मेरे को इन्हें गिरफ्तार करे, वो गिरफ्तार करने की वजह से हम इलेक्शन हारे। तो ये इंस्पेक्टर, ये ACP मीर चौक, ये DCP साउथ जोन, क्या नाम है DCP साउथ जोन का? साई चैतन्या। साई चैतन्या DCP साउथ जोन इज एक्टिंग एज ए MIM एजेंट। कांग्रेस के चार मीनार के कैंडिडेट पे हमला हुआ, 3 दिन तक कंप्लेंट नहीं ले रहे उन्होंने साई चैतन्या। तो आखिर ये किस्सा क्या है बताइए? तो मैं पूरी साजिश को स्टडी किया। मैं अभी जो है हमारे जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है पुनारा, उनसे बात किया, मैं पूनम प्रभाकर साहब जो मिनिस्टर है उनसे बात किया, उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात किया, क्योंकि CM जो है वो कहीं बाहर है, उनके PA से भी मेरी बातचीत हुई, और जो यहाँ पर तेलंगाना इंचार्ज है मैडम उनसे भी, हमारी प्रिया रंजन दास मुंशी मैडम से भी मेरी बातचीत हुई। आप देखिए ये कहीं ना कहीं साजिश हो रही कि मौजूदा गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार है उसको मुसलमानों से भिड़ा देना। अब MBT से अब ऐसा परमिशन नहीं दिए, ये पठान बच्चे हैं, निकल जाते रोड पे, मां बहन कर देते हुकूमत की, निकल के गालियां देते बोल के, ये बड़ी साजिश है। ये चंद दिन से जो अखबार में आ रहा था, जो मीडिया में आ रहा कि हम जब MBT को इंडिया अलायंस में लेके अमजदुल्ला खान को लोकसभा का कैंडिडेट बना देंगे,
तो उसको सैबोटाइज करने एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, और वो खेल खेल रही बीसीपी साउथ जोन सही चैतन्य। ये पोलिंग के दिन तालाब कट्टे पे छह ऑटो जो परवनी और नांदेड़ के थे मई पकड़ के डीसीपी को दिया साउथ जोन को, तो ये सही चैतन्य ये बोल रही कि मेरे पास लेडीज पुलिस नहीं है, मैं कैसा इनको गिरफ्तार करूं। अब अलावान पे लाके एक गाड़ी लेडीज पुलिस कैसा लगा दिया, कैसे आ गई लेडीज पुलिस। तो ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी ये साई चैतन्य के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। ये प्रजा पालनामा में छह में कांग्रेस के वर्कर्स पे छह अटैक्स हुए साउथ जोन में, एक को भी गिरफ्तार नहीं करे, एक पे भी केस नहीं बुक करे इन्हू, और आज एमबीटी को डिनाई कर रहे हैं परमिशन, इसका क्या वजह है। और अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को मैं जॉइंट सीपी एसबी से बात किया, मैं हमारे कोई विक्रम मान सिंह है उनसे हम बात किए, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स इकबाल सिद्दीकी साहब से बात हुई मेरी, कमिश्नर साहब से हमारे कुछ लोग बात किए, पूनम प्रभाकर साहब से, यानी जिससे भी बात करे ये बोल रही कि डीसीपी साउथ जोन हैज मिसगाइडेड द कमिश्नर। उन्होंने ये बोल रही कि ये पब्लिक मीटिंग में लगा बाबरी मस्जिद की बात कर रही, इल्ला राम मंदिर की बात करेंगे, 22 तारीख के दिन कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं द डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य इज एक्टिंग एज एन एमआईएम एजेंट। ये इलेक्शन में पूरा उनका रोल देखो आप, एक एमआईएम एजेंट थे उन्हों, आज जो ये रिजेक्शन भी कर रही, ये इंस्पेक्टर, ये एसीपी मीर चौक और ये जो डीसीपी, ये तीनों के ऊपर इंक्वायरी होना, तीनों को सस्पेंड करना चाहिए। मैं 22 तारीख के दिन 24 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब आ रही, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, वहां पर ऑब्जर्वर के साथ हम जाएंगे, सीएम से मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फिर दोबारा हम मीटिंग करके बताएंगे इंशाल्लाह। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। देखो बीआरएस की जो मुसलमानों के साथ एमबीटी और बीआरएस का भी जो था ना, ये पुलिस की वजह से जो ही, मैं कांग्रेस के पूरे लीडरों को आगाह कर रहा हूं, मैं उनको ये समझा रहा हूं कि देखो ये पुलिस की चाल समझो, ये एक तरफ खाकी चड्डी वाले है पुलिस वाले, एक तरफ ये हरी चड्डी वाले पुलिस वाले है, ये साई चैतन्य को हरी चड्डी है, इसको इसकी पूरी इंक्वायरी करो, इसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको परमिशन नहीं देना था हम अप्लाई करें, एसबी वालों को मालूम, सबको मालूम, आप मेरे को 10 दिन पहले बोल देना था साहब, हम आपको